हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एस्पायर सिविल सर्विसेज़। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पे हम लोग पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक द प्रीएम्बल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो द प्रीएम्बल को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इसके बाद मैंने आपके लिए क्वेश्चन सेट भी लगाया हुआ है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि प्रीएम्बल को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, और जैसे ही आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन प्रीएम्बल से लेकर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। द प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946। मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ठीक है, तो वो 13 दिसंबर 1946 को किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। मैंने ये बात आपको बताई थी, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जिसको अडॉप्ट कर लिया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, और यही जो रिजोल्यूशन था जो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया और जिसको अडॉप्ट कर लिया 22 जनवरी 1947 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, तो यही रिजोल्यूशन बाद में बनता है फाउंडेशन ऑफ द प्रीएम्बल। ठीक है, तो यही जो रिजोल्यूशन था ये बाद में क्या बन जाता है, प्रीएम्बल का फाउंडेशन बनता है। द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और इस लाइन को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस लाइन से ही आपके प्रीएम्बल में लगभग 10 से 12 सवाल बार बार बनते हैं और हमेशा इसी लाइन से ही सवाल पूछे जाते हैं। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कुछ वर्ड्स हैं, नीचे भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो उन वर्ड्स की लिस्ट में सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, कौन से 3 वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये जो 3 वर्ड हैं वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। ठीक है, द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया एज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन। ये वर्ड आपको 5 जो है ये आपको लाइन में याद रखना है, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो प्रीएम्बल क्या क्या बोलता है कि जो हमारा इंडिया है वो एक सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है, नेशन है। ठीक है, तो आपको याद करने की ट्रिक ये है कि SSSR, तो आपको याद रखना है कि जो SSS है वो साथ में है, तो सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर SSS एक साथ, फिर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो ये 5 वर्ड्स आपको याद रखना है लाइन से। इट सिक्योर्स टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 प्रकार के जस्टिस को डिफाइन करता है अपने सभी सिटीजन्स के लिए। कौन कौन सा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो ये भी आपको याद रखना है कि सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस को डिफाइन करता है। ठीक है, सिक्योर करता है सभी सिटीजन्स के। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन द वर्ड्स ऑफ सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, द प्रीएम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस वॉट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। ठीक है, तो ये आपको लाइन याद रखना है कि इसको किसने बोला था, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। क्या बोला था, द प्रीएम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस दैट वी हैड थॉट ऑफ ड्रीम्ड सो लॉन्ग। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड एट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द केशवानंद भारती केस 1973। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती केस जो हुआ था 1973 में, उसको उस केस में सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर करता है कि जो प्रीएम्बल है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके पहले एक बेरुबरी केस था 1960 में, उसमें प्रीएम्बल को पार्ट नहीं कंसीडर किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये आपको केसेस याद रखने हैं कि केशवानंद भारती केस जो था 1973 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर करता है और ये एक्सेप्ट कर लेता है कि जो प्रीएम्बल है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जबकि जो बेरुबरी केस था 1960 का, उसमें क्या बोला था, पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि प्रीएम्बल वॉज नॉट कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसने बोला था कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो ये आपको दोनों केसेस याद रखने हैं। इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, द प्रीएम्बल वॉज कंसिडर एज अ कोर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था, उसमें प्रीएम्बल को बोला गया कि इट इज़ द कोर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन बुमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट गेव अ कंसेप्शन दैट द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी आपको याद रखना है। इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। ठीक है, ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, मतलब अगर ये इन्फोर्स नहीं होता, इन्फोर्सेबल नहीं होता, तो आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जब हम अपन फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तो अगली जो वीडियो हमारी आएंगी उसमें हम बात करेंगे कि क्या चीज़ें जस्टिसिएबल होती हैं और क्या नहीं होती है। ठीक है, तो इट टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ फेथ, बिलीफ, वर्शिप, एक्सप्रेशन एंड थाट। ये भी आपको याद रखना है कि किस किस चीज़ की फ्रीडम के बारे में बात करता है, फेथ, बिलीफ, वर्शिप, एक्सप्रेशन एंड थॉट।
इट ऑल्सो इंश्योर्स द डिग्निटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, ठीक है, इट ऑल्सो इंश्योर्स द डिग्निटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, इट इज़ कॉल्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो प्रीएम्बल को क्या बोला गया है, इट इज़ कॉल्ड एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है, ठीक है। तो आपका ये हो जाता है, इसके आगे अगर हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉल द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो प्रीएम्बल को बोला गया है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि जब हम फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो उसमें फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आर्टिकल 32 में दी गई हैं उनको भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो के एम मुंशी कॉल्ड इट एज द पॉलिटिकल हीरोस्कोप, के एम मुंशी ने प्रीएम्बल को क्या बोला कि पॉलिटिकल हीरोस्कोप है ये। सुभाष कश्यप सेड दैट इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बॉडी देन प्रीएम्बल इज सोल, सुभाष कश्यप ने क्या बोला कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है तो प्रीएम्बल क्या है, उसकी आत्मा है, सोल है। इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बिल्डिंग देन प्रीएम्बल इज फाउंडेशन स्टोन, मतलब यह कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन एक बिल्डिंग है तो उसका जो फाउंडेशन स्टोन है, नींव का पत्थर है, वो क्या है, अपना प्रीएम्बल है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पीएस पेपर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो एक पीएस पेपर है। तो यहाँ पे आपका प्रीएम्बल का जो हमारा थ्योरी पोर्शन था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थ्योरी पोर्शन जो है अच्छे समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं एज इट इज़। यहाँ पे प्रीएम्बल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको करा दी है। चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन जो IAS प्री में आया हुआ है, तो क्वेश्चन इसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस एक्स डू हियर बाई एडॉप्ट इन एक्ट एंड गिव टू अवर सेल्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन दिस एक्स स्टैंड फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे एडॉप्शन की बात कर रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एडॉप्शन है वो कब हुआ, तो आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा 26th day of November 1949, 26 जनवरी 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन के रेडी हो गया था और उसको अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई द, तो इसमें 42nd amendment हो जाएगा जो मैंने अभी आप पहले बताया था। सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड जो है वो 42nd amendment के एक्ट 1976 को द्वारा ऐड किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम वाले तो वाई विच नेम नेम्स इन अवर कंट्री मैंसन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत, तो भारत एंड इंडिया दो वर्ड्स ये यूज किए गए हैं अपनी कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सोवरेन सेकुलर करेक्ट द चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स एज गिवेन इन द प्रीएम्बल, मैंने बोला था कि आपको ये सीक्वेंस में याद रखना, क्योंकि ट्रिपल एस आपको याद होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर और डेमोक्रेटिक फिर रिपब्लिक, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा CADB, देखिए कौन सा फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इन विच फॉर्म इज़ इंडिया डिक्लेयर्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ए सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, नन ऑफ दिस, तो आपको पता है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक इस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल को डिस्क्राइब किया गया, ठीक है, इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन एडेड टू द प्रीएम्बल बाय द 42nd amendment, सोशलिस्ट ग्राम स्वराज सेकुलर सोवरेन, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए मैंने नहीं बताया, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंडिया हैज पीपल्स सोवरनिटी बिकॉज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द वर्ड्स, ठीक है, डेमोक्रेटिक इंडिया, रिपब्लिक ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी ऑफ पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो इंडियन प्रीएम्बल पे वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट है, तो आपको ये याद रखना है वी द पीपल ऑफ इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा। वेयर हैव द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव बीन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ याद है डिस्क्राइब किया गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिस्क्राइब किया गया, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको, ठीक है, तो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसका सही आंसर हो जाएगा, ये MPPSC प्री 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड सेकुलर वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाई, तो 42nd amendment एक ही अमेंडमेंट हुआ है 42nd amendment जिसके द्वारा वर्ड्स को ऐड किए गए हैं, वो तीनों वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
अगर देखें तो गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सिक्योर अश्योर ऑल इट्स सिटीजन्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है वो क्या है, जस्टिस सोशल एंड इकोनॉमिक, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर अश्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, सभी चीज़ को अश्योर करना है, जस्टिस सोशल एंड इकोनॉमिक, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इस सभी को प्रीएम्बल में ये सारे वर्ड्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरेन, पब्लिक वेलफेयर। 2005 MPBSC में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पब्लिक वेलफेयर, क्योंकि पब्लिक वेलफेयर का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है प्रीएम्बल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ भी है, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं की गई, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हु हैज़ टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन अ सेक्रेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो PS पेपर किसने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो इसी से रिलेटेड है सेक्रेट डॉक्यूमेंट, तो सेक्रेट डॉक्यूमेंट भी भीमराव अंबेडकर ने बोला था, MPBSC प्री 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे हमारे प्रीएम्बल के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे जो हमारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए वो समझ में आए होंगे, और जो प्रीएम्बल का थ्योरी पोर्शन था वो भी आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।